की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसके बाद महिला आयोग ने एक्शन लिया और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए स्कूल को बंद करने की सलाह दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको गुरुग्राम से, जहां स्कूल पर एक्शन लिया गया है। स्कूल में बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल को बंद करने की सलाह दी गई है, ऐसे स्कूल में बच्चों को ना भेजें अभिभावक। ये रेणु भाटिया हरियाणा प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा है। उनका कहना है एक नामी स्कूल में 3 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगा है, जिसके बाद महिला आयोग की अध्यक्ष ने स्कूल को बंद करने की सलाह दी है। इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है। ये नामी स्कूल है गुरुग्राम का और इसमें एक 3 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है और इस पर महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए स्कूल को बंद करने की सलाह दी है। साथ ही साथ ऐसे स्कूलों में बच्चों को अभिभावक ना भेजें, इस तरह का भी उनका बयान सामने आया है। बच्ची 3 साल की, उसके साथ भी हवस के शिकारियों ने लिहाज नहीं किया। अब बताए बच्ची का क्या कसूर है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नाराजगी उस स्कूल के जो है ऑर्गेनाइजर्स से है कि उनके स्कूल में इस तरह की घटना हुई। अब सोचना ये होगा कि क्या ये पहली घटना है या क्या अंतिम रहेगी। इस स्कूल को तुरंत प्रभाव से वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को बंद करना चाहिए। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन अपने कैमरास के माध्यम से और अपने उसके माध्यम से ना बताए कि ये किसने हादसा किया है। और उन पेरेंट्स को मैं, जो स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि स्कूल में आप बच्चों को नहीं भेजें, क्योंकि जब जहां आपके बच्चे की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया अभी तक, आगे क्या रखेंगे, पेरेंट्स को एक बार सोचना होगा। चलिए आगे।